हेलो दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द अंडरकट। अंडरकट क्या होता है? तो बेसिकली अंडरकट क्या होता है, किसी भी इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट के लिए कोई एक ऐसा फीचर जो कि इजेक्शन को रोकने की कोशिश करता है, उसको हम लोग अंडरकट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एक गेट दिखा रहा हूं मैं, या फिर डोर बोल सकते हो आप जिसको। तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म है जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो डोर के लिए यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म हुआ वो एक अंडरकट की तरह काम कर रहा है, राइट? ठीक है, अब देखो अंडरकट किस तरह के हो सकते हैं। किसी भी तरह का होल, कैविटी, या फिर रिसेस एरिया इन टू द पार्ट, ठीक है। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो अंडरकट किसी कंपोनेंट के लिए हो सकता है। तो बहुत ही ईजी है अंडरकट को समझना, इतना भी कठिन नहीं है, राइट? ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। आप अगर ये लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो आपको लेक्चर 5 और लेक्चर 6 देखना जरूरी है, जिसके अंदर मोल्ड की लेंथ और विड्थ के बारे में बताया गया है और मोल्ड की हाइट को कैसे डिसाइड करते हैं। उसके बाद ही हम लोग स्लाइडर और लिफ्टर के बारे में बात कर सकते हैं, राइट? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ अंडरकट के बारे में। तो टाइप ऑफ अंडरकट, हम सभी को पता है कि दो तरह के अंडरकट बेसिकली होते हैं, वो है एक्सटर्नल अंडरकट और होता है इंटरनल अंडरकट। एक्सटर्नल अंडरकट के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं स्लाइडर मैकेनिज्म मोल्ड, ठीक है, और इंटरनल अंडरकट के लिए हम लोग यूज करते हैं लिफ्टर मैकेनिज्म मोल्ड, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको जूम करके देखते हैं थोड़ा सा। तो जूम करने पर पता चलता है कि इसमें अंडरकट कहाँ पर है, कौन से एरिया पे अंडरकट है। देखो यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, एक एक्सटर्नल अंडरकट है और एक इंटरनल अंडरकट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या होगा अगर मैं इसके लिए एक मोल्ड क्रिएट करूं, तो मोल्ड क्रिएट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं मोल्ड को ओपन करूंगा तो इजेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ये अंडरकट अवेलेबल है पार्ट के अंदर या कंपोनेंट के अंदर, राइट? ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका? सॉल्यूशन के लिए हमको एक स्लाइडर बनाना पड़ेगा और एक लिफ्टर बनाना पड़ेगा, राइट? तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। तो स्लाइडर मैकेनिज्म और लिफ्टर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, इसको एक बार हम लोग ओपन करके देखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो मैं पूरी तरह से हटा के देखता हूँ उसको। तो यहाँ पर ये जो है ये साइड कोर है, और यहाँ पर ये जो है लिफ्टर या फिर एंगुलर पिन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, मतलब एंगल पिन आप बोल सकते हो, फॉर्म पिन बोल सकते हो, राइट? फिर से मैं अगर मोल्ड को लगाता हूँ तो मोल्ड कुछ इस तरह से इसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे कि ओपन करने पर क्या होता है। तो ओपन करने पर ये कुछ इस तरह से वर्किंग करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक्सटर्नल अंडरकट रिलीज होगा, ठीक है, साथ ही साथ इंटरनल अंडरकट भी रिलीज होगा। फिर से एक बार देखते हैं, ये कुछ इस तरह से अंडरकट को रिलीज करेगा, राइट? ठीक है, चलिए मेथड ऑफ अंडरकट सॉल्यूशन, मतलब अगर बात करूं कि अंडरकट कितने तरह के होते हैं और किस तरह के अंडरकट होते हैं, उसके हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है वो है स्लाइडर मोल्ड या फिर लिफ्टर मोल्ड। हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर द इंटरनल और द एक्सटर्नल अंडरकट के लिए, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि 1 mm से ज्यादा का अगर अंडरकट रहेगा तो हम लोग स्लाइडर मोल्ड या फिर लिफ्टर मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जंपिंग आउट मोल्ड, जंपिंग आउट मोल्ड का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर राउंड या फिर रेडियस अंडरकट है, ठीक है, और वो 0.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तो फिर हम लोग जंपिंग आउट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जंपिंग आउट मतलब जंप करवाना। स्प्लिट मोल्ड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जहां पर एक्सटर्नल अंडरकट होता है लेकिन साथ में वो सर्कुलर अंडरकट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बॉबिन कंपोनेंट। तो बॉबिन जो रहता है वो एक सर्कुलर अंडरकट में कंसीडर किया जाएगा, है ना। अनस्क्रूइंग मोल्ड, अनस्क्रूइंग मोल्ड हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जहां पर थ्रेड वाला कंपोनेंट होता है, जहां पर भी थ्रेड रहेगा, ठीक है, वहां पर हम लोग अनस्क्रूइंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहां पर आपको एक एक्सटर्नल अंडरकट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल अंडरकट को एक बार मैं सेक्शन व्यू काट के देखता हूं, तो सेक्शन व्यू में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सटर्नल अंडरकट है, राइट। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये एक्सटर्नल अंडरकट है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? स्लाइडर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए स्लाइडर मैकेनिज्म क्रिएट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये रहा इसका स्लाइडर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो ब्लॉक दिख रहा है, ये स्लाइडर है जो कि स्लाइड करने का काम करेगा। ये जो ऊपर दिख रही है एंगुलर पिन जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी इसके मूवमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पिन जो है ये अंदर मूवमेंट करेगी तभी ये क्या करेगा, स्लाइडर जो है वो स्लाइड करने का काम करेगा, ठीक है। नीचे जो है वो कोर है और ये स्लाइडर जो है इस कोर प्लेट पर ही स्लाइड करने वाला है, ठीक है। ऊपर जो है इसके ऊपर गाइड रेल रहती है, राइट। तो दिस इज द स्लाइडर मैकेनिज्म फॉर द एक्सटर्नल अंडरकट। ये इसी तरह से लिफ्टर कंपोनेंट या फिर लिफ्ट अंडरकट के लिए भी हमको देखना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल अंडरकट। तो इसका अगर एक सेक्शन व्यू काट के देखूं, ये इस तरह से इंटरनल अंडरकट है, ठीक है। पूरे कंपोनेंट में अगर देखेंगे तो इसके अंदर 4 अंडरकट अवेलेबल है,
सी चार अंडरकट, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक लिफ्टर पिन क्रिएट करनी पड़ेगी। चलो तो लिफ्टर पिन क्रिएट करते हैं। सी दिस इज द लिफ्टर पिन, ये रही लिफ्टर पिन। इसका अगर सेक्शन व्यू काट के देखूं तो ये कुछ इस तरह से नजर आने वाला है। सी हियर, राइट, दिस इज द इंटरनल अंडरकट। तो ये इंटरनल अंडरकट कैसे रिलीज होगा, जब ये पिन हॉरिजॉन्टली मूव करेगी इस लिमिट तक, ठीक है। तो इस लिमिट तक जब वो मूवमेंट करेगी तो ये एक्सटर्नल अंडरकट रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे कि चार अंडरकट हैं, लेकिन चारों अंडरकट एक जैसे हैं, तो फिर हम लोग इसको, इस पिन को पैटर्न कर सकते हैं, राइट। तो इस पिन को हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर पैटर्न करेंगे, राइट। यहां से इस वेक्टर को मैं ले लेता हूं और यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर वाला, और चार पिन हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। देखो चार पिन है, इसका अगर सेक्शन व्यू काट के देखो तो सामने सामने की आपको दो पिन नजर आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द लिफ्टर मैकेनिज्म फॉर द इंटरनल अंडरकट, ठीक है। और यहां पर जो मैंने आपको बताया था वो है एक्सटर्नल अंडरकट के लिए स्लाइडर मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल अंडरकट के लिए यूज किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।